क्वेश्चंस आए हैं सो इट फॉर्म्स दी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर योर सी 2023 एंड अदर एंट्रेंस एग्जाम साथ ही साथ हम जानते हैं कि हम अपने सी यू टी एज वेल एज अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की जो सीरीज है स्टैटिक जीके की हमने स्टार्ट कर दिया यहाँ पर और आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है सो so अंत तक जरूर देखेगा सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार फटाफट -फड़ से सेशन को शेयर कर दीजिएगा लाइक like कर दीजिएगा और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा सो लेट स्टार्ट विद ऑफ़ से स्टार्ट करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक वी हैव ऑलरेडी कंप्लीट सो हमने कंप्लीट यहाँ पर कर लिया है नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डैम्स रिवर्स रेवोल्यूशन इन इंडिया साथ ही साथ यहाँ पर हमने कंप्लीट किया है फेस्टिवल्स चीफ मिनिस्टर्स डांसेस वी हैव कंप्लीटेड और यहाँ पर हमने आगे भी यहाँ पर सीएम गवर्नर और ये सारी चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट कर दी है ठीक है चलिए सो लेट्स स्टार्ट विद सेशन ऑफ टुडे और यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके आने वाले एग्जाम्स uh, के लिए ठीक है so, सो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन एंड हेड क्वार्टर्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे और यहाँ पर दो भागों में आपको हमारी पूरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी जहाँ पर यहाँ पर क्या है यहाँ पर आपके ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ पर आपका हेड क्वार्टर्स है सो ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और ये हेडक्वार्टर है जो आपके एग्जाम के लिए यूजफुल है क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर वेयर किधर है है ना तो ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में सो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन यहाँ पर मैंने ना ये देखो सारा यहाँ पर आ, Uh, मैंने आपको बताया भी है ये बॉक्सिंग है ये आपका टेबल टेनिस है ये आपका आर्चरी है है ना तो इससे आपको थोड़ा सा तो पता लग रहा होगा कि कौन सा यहां पर ये स्पोर्ट्स है है ना इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन बॉक्सिंग एसोसिएशन ओलंपिक एसोसिएशन टेबल टेनिस और आर्चरी फेडरेशन ये सबका हेडक्वार्टर आपका कहां पर है लॉस स्विट्जरलैंड है ना लॉस स्विट्जरलैंड साथ ही साथ यहां पर एक चीज और बताना चाहूंगी वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का भी अब जो हैडक्वार्टर है वो है लॉस स्विट्जरलैंड ये चीज आपको रखी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है सो आगे बात करते हैं

क्रिकेट काउंसिल का क्लियर बाद है उसके बाद वर्ल्ड चेस फेडरेशन की बात करेंगे सो एथेंस ग्रीस इसका यहाँ पर हेडक्वार्टर है एथेंस ग्रीस अब बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का कुआला लंपुर जो कि मलेशिया में है यहां इसका हेडक्वार्टर है आगे बात करते हैं ये एक सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत यूजफुल uh, है आपके स्पोर्ट्स में लिस्ट ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स कप एंड ट्रॉफीज यहाँ पर दिए गए हैं यहाँ से क्वेश्चन सी uh, 2022 के एग्जाम में आया है कि दूरंद कप किससे रिलेटेड है सो so, कप किससे रिलेटेड है बेटा दूरंद कप आपके फुटबॉल से यहाँ पर रिलेटेड है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्लियर पोलो की बात करेंगे पोलो के लिए बहुत सारे कप्स है जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे आपका विंचेस्टर कप है और यहाँ पे एसरा कप है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है साथ ही साथ रोइंग की बात करेंगे रोइंग आप देख रहे हो ना जो नाव चलाते हैं नाव ऐसे से करते हैं ना उनको क्या बोलते हैं हिंदी में कमेंट करो सेक्शन में तो ये विलिंगटन ट्रॉफी इससे रिलेटेड है साथ ही साथ बैडमिंटन में एक बहुत इंपॉर्टेंट है थॉमस कप और उबेर कप जो यहाँ पर दिया जाता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें क्रिकेट की बात करेंगे तो क्रिकेट के लिए तो आप सभी जानते हैं एक आपका दियोधर ट्रॉफी है दियोधर ट्रॉफी दुलीप ट्रॉफी ये दोनों ट्रॉफीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए यहाँ कप की बात करेंगे जो ये कप मिलता है ना ये जो ऐसे कप मिलता है ना एग्जाम मतलब लाइक like, कोई जीत जाता है तो ऐसे करके ये हेलो मतलब ऐसे करके यो हुर्रे ऐसे करके करते ना तो वो जो कप देता है वही कप पे एक पूरा का पूरा क्या होता है Uh, पूरा गेम यू uh, नो you know, डिपेंड होता है यहाँ पर उस पर उसके नाम पर यहाँ पर रखा जाता है ठीक है सो ये हो गया टेबल टेनिस की बात करेंगे तो टेबल टेनिस में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है जया लक्ष्मी कप और स्वाथलिंग कप ठीक है जो मैन और फीमेल्स में दिया जाता है मैन और वुमेंस में बॉक्सिंग कप की बात करेंगे तो बॉक्सिंग के लिए आपका एसपाई एडजानिया ट्रॉफी जो यहाँ पर आपको दिया जाता है ठीक है नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका यहाँ पर फुटबॉल फुटबॉल में क्वेश्चन आपके आया था दूरंद कप याद रखिएगा कप आपके टू के एग्जाम में पूछा गया है 2022 के एग्जाम में तो दुरंद कप आप यहां पर देख पा रहे होंगे वेयर इज दुरंद कप वेयर इज दुरंद कप ये है तो ये जो दुरंद कप है ना ये किससे रिलेटेड है ये रिलेटेड है फुटबॉल से यहां भी पूछा जा सकता है रोवर का पूछा जा सकता है साथ ही जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है संतोष ट्रॉफी संतोष ट्रॉफी भी आपके फुटबॉल से रिलेटेड है और ये आपके एग्जाम्स में यहाँ पर गाइज पूछी जा सकती है क्लियर बात है उसके बाद गोल्फ की बात करेंगे गोल्फ में आपका कैनेडा कप है आपका यहाँ पर राइडर कप है मुथियन गोल्ड कप है वॉलकर कप है तो ये सब कुछ आपका किससे रिलेटेड है ये आपका बेटा रिलेटेड है गोल्फ से हॉकी की बात करेंगे हॉकी में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका आगा का कप आगा का कप हॉकी बोलते हैं और आपका बेंटन कप भी हॉकी से रिलेटेड है नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर uh... टॉपिक है आपके स्पोर्ट्स में वो है आपका कि ये पर्टिकुलर आपके इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स हैं और नेशनल स्पोर्ट्स हैं तो ये यहाँ पर uh, किस फील्ड में दिए जाते हैं हॉकी में बता दूँ ये फेमस स्पोर्ट है हमारे इंडिया का नॉट अ नेशनल गेम है ना तो ये इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया का बेटा क्या है यहाँ पे क्रिकेट भी मान सकते हैं हम क्रिकेट भी काफी ज्यादा फेमस है और हॉकी है है ना बट मेनली अब हॉकी अगर एग्जाम में आया तो हम हॉकी बोलेंगे चाइना की बात करेंगे गाइस। तो चाइना में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है चाइना का जो नेशनल गेम है नेशनल स्पोर्ट्स जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है बेटा वो है आपका यहाँ पर टेबल टेनिस टेबल टेनिस इज वेरी वेरी वेरी, 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 वेरी इंपॉर्टेंट क्लियर बात है बताइए क्लियर है गाइज बिल्कुल और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है यूएसए यूएसए में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो इंपॉर्टेंट है वो है बेसबॉल बेसबॉल यहाँ का स्पोर्ट्स गेम है फिर हम स्पेन की बात करेंगे स्पेन में बुल फाइटिंग है यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ ये सब मैं हम लोग ने यहाँ पर देखिए सब यहाँ पर बनाया हुआ है तो आपको इससे बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा व्यूजली है ना अफगानिस्तान का आ, क्या है बेटा बुक्शी है जापान का नेशनल स्पोर्ट्स जू है

है है ना आर्चरी भूटान का सो आई होप क्लियर बात बात है साथ साथ ही एक इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी ये हमारा आज का पूरा टॉपिक रहा है um, आपके किसका स्पोर्ट्स का जो तीनों टॉपिक वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ठीक है साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज और बताना चाहेंगे हमारी जो बैच है वो लॉन्च हो चुकी है है ना हमारी जो बैच है गाइस वो लॉन्च हो चुकी है कल ही इसकी यू नो कल और परसों यहाँ पे पर आपको समझ में आ गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है हमारी बैचेस ठीक है सीयूटी टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री की जो बैचेस लॉन्च हुई है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीयूटी सामर्थ के नाम से बैच लॉन्च हुई है आपको अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन के स्टोर पर मिल जाएगा अवेलेबल होगा उससे पहले आपको अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन के स्टोर को अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन को यहां पर इंस्टॉल करना पड़ेगा ठीक है <coughs> साथ ही साथ एक और चीज बताना चाहूंगी यहाँ पर आ, आपको तो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा स्टोर पर जाकर आपको बैचेस मिल जाएंगी जो यहां पर कूपन कोड यूज करना है।, आ, वो है वो कूपन कोड क्या है गाइस वो कूपन कोड आपका Y455 है ये वो कूपन कोड है जो आपको यूज करना है Y455 मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए पहली बात सीयूटी टू की सामर्थ बोले तो ये जो बैच है सामर्थ बैच है हमारी ये इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है सीयूडी टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री की प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दीजिए अभी से एंड साथ ही साथ यहां पर एक और चीज बताना चाहूंगी गाइज ये बैच अक्टूबर सेवनटीन से स्टार्ट हो रहा है सो so, अभी से ही आप एनरोल कर लीजिए आपके पास ऑफर है गाइज आप यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं इस कोड को आपको ना कहीं पर यूज करना है आई मीन कहीं पर लिख लीजिए आप अपनी कॉपी में अपने मोबाइल में इस कोड को लिख लीजिए इसी कोड को आपको यूज करना है बैच को परचेस करने के लिए और यहाँ पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा इस कोड से क्लियर बात है चलिए सो आई होप यू लाइक दिस सेशन और आपको बहुत मजा आया हो सेशन में हमने आज एक टॉपिक कवर कर लिया है स्पोर्ट्स एंड आई होप यू लाइक यू नो सेशन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग